हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे ब्लड शुगर बढ़ने की कुछ निशानियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तीन स्किन प्रॉब्लम्स जो हमारे शरीर में होती हैं और वो इशारा करती हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और जानते हैं कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं दोस्तों और आपको ये तीन तरह के स्किन इन्फेक्शन हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है। तो जानते हैं इन इन्फेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला इन्फेक्शन तो दोस्तों ये है कि त्वचा पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं, यानी स्किन की इस परेशानी की शुरुआत में पहले तो कुछ हल्के फुल्के दाने नज़र आते हैं, लेकिन फिर ये धीरे धीरे दाने सूज जाते हैं और सूजन के साथ साथ ये धब्बे या चकत्तों का रूप ले लेते हैं। तो त्वचा पर ये जो लाल धब्बे हैं, इस स्थिति को नेक्रोबायोसिस लिपोडिका भी कहते हैं, और इसमें दर्द और खुजली भी हो सकती है दोस्तों, और ये काफ़ी कष्टदायक भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है तो आप तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट कराइए। और जानते हैं अगले इन्फेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है डिजिटल स्क्लेरोसिस, इसे मोटी स्किन भी कहते हैं सामान्य भाषा में। और दोस्तों, इसमें मरीज की उंगलियां या अंगूठे या दोनों के पिछले हिस्सों में कुछ वैक्स सा जमना शुरू हो जाता है और वहाँ की स्किन मोटी हो जाती है। तो इस स्थिति को दोस्तों डिजिटल स्क्लेरोसिस कहते हैं, और इसमें उंगलियां अकड़ने भी लग जाती हैं और इन्हें हिलाने में भी दिक्कत आती है जब ये समस्या बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक रहती है दोस्तों, तो पूरे हाथ या पैर की स्किन भी मोटी हो सकती है, और कई बार तो ये समस्या पीठ, कंधों और गर्दन पर भी हो सकती है, यानी वहाँ की स्किन भी मोटी हो सकती है। तो ये भी डायबिटीज़ की एक निशानी है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे इन्फेक्शन की तरफ। इसमें जो त्वचा है सूखी और खुजलीदार हो जाती है, यानी स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें खुजली होने लगती है। इसका कारण आप समझिए कि हाई ब्लड शुगर के दौरान जो वेंस हैं उनमें ब्लड फ्लो जो है वो धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से त्वचा को पोषण नहीं मिल पाता और स्किन जो है वो ड्राई रह जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी स्किन ड्राई है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ रहा है, और त्वचा में सूखापन आना इस बात का सीधा संकेत है। त्वचा में खुजली होना भी डायबिटीज़ के बढ़ने का संकेत माना जाता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।